हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे और हम लास्ट में वीडियो के देखेंगे कुछ ट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के डीएसपी के रिगार्डिंग आर्टिकल्स जो दिए गए हैं उनको लर्न करने की जैसे कि हम अपनी ट्रिक पर जाने से पहले टॉपिक का एक ओवरव्यू लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक ओवरव्यू ले लेते ले हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में दी गई हैं आर्टिकल 36 टू 51 तक इसमें प्रोविजन दिए गए हैं और जो हमारा डी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है राज्य के नीति निदेशक तत्व वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से किए गए हैं। दिस डायरेक्टिव प्रोवाइड्स द द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसी और पासिंग अ लॉ ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी मेकिंग कर रही है या लॉ मेकिंग का प्रोसेस कर रही है तो कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाने से पहले जो आपके पार्ट फोर में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ दी गई हैं, उनको गवर्नमेंट फॉलो करेगी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए अचीव करने के लिए बनाई गई नीतियां हैं

डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है सब इंस्ट्रक्शन है कि स्टेट को किस लिए अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि किस तरह से social economic development विकास किया जा सकता है उसकी प्राप्ति की जा सकती है स्टेट तो जो हमारे डी एफ डी पी एस वो क्या करते हैं पावर एंड फंक्शन स्टेट के क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं उंटेबिलिटी ऑफ अ स्टेट अब स्टेट की क्या अकाउंटेबिलिटी है इनकी रिकार्डिंग तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैंद भारती केस मिनरवा मिल केस एक्सेट्रा एंड दे आर बाई इंस्ट्रक्टिंग स्टेट टू इम्प्लीमेंट डी पी एस पी इन राइट स्प्रिट केशवानंद भारती और मिनरवा मिल का केस है जो की बहुत ही लीडिंग केस है हम अगर आप बोलेंगे तो एक सेपरेट इस पर वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें कोर्ट ने यह कहा गया था हा? कि डीपीएसपी का सही से इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस लॉ की अगर बात की जाए तो उसमें पहला आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सेकेंड मिनरवा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थर्ड लिंगप्पा पोचन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट डेहली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉज यूनियन वर्सेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन मोहनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इनरी द केरला एजुकेशन बिल ये आपके इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी कि किस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था अब जो रिलेटेड आर्टिकल है हमारे थर्टी सिक्स टू फिफ्टी उसका एक ओवरव्यू लेते हैं आर्टिकल थर्टी सिक्स इन द सेम वे एज आर्टिकल 12। जैसे कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो वही उसको क्या करता है रिडिफाइन करता है 36 में कुछ नहीं है आप स्टेट यानी कि राज्य की, की परिभाषा है नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 37। स द इम्पोर्टेंस ऑफ डी पी एस पी नॉट इनफोर्सिबल इन द कोर्ट्स एंड नो वन कैन गो नियर द कोर्ट्स फॉर इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर आर्टिकल थर्टी सेवन की बात करें तो आर्टिकल थर्टी सेवन क्या कहता है वो यही बात कहता है जो हम भी हमने पीछे देखी थी कि जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में और कोई भी कोर्ट के पास नहीं जा सकता की डीपीएसपी जो है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है आर्टिकल directs the डायरेक्ट द स्टेट टू क्रिएट order फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल अगर कहा जाए कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में जो स्टेट पॉलिसी से रिगार्डिंग जो आर्टिकल है किस आर्टिकल में वेलफेयर ऑफ स्टेट का यानी कि वेलफेयर ऑफ पीपल का जो है concept दिया गया है तो वो आर्टिकल 38 एट में जिसमें की वेलफेयर ऑफ द पीपल या वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की गई है नेक्स्ट आपका आर्टिकल थर्टी नाइन

पॉलिसी को बनाना चाहिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आर्टिकल 39 को इतना डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ रहे हैं फिर मैं फिर भी मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपका जो uh, 39 है वो एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवली हुड पर प्रेशर देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटीरियल रिसोर्सेज की बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन की बात करता है एंड ऑफ चिल्ड्रन की चिल्ड्रन की हेल्थ की और फैसिलिटीज की बात करता है नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन वाई फोर्टी से आर्टिकल 39 ए निशुल्क वेदिक सहायता का प्रावधान करता है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आर्टिकल 40। Article 40 स्टेट टू ऑर्गेनाइज पंचायत एंड कंफर्म एडिक्वेट पावर टू देम सो दैट दे कैन फंक्शन एस यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट मींस स्वशासन स्वशासन यानी कि जैसे कि पंचायत वगैरह हैं तो पंचायत में जो भी आपके प्रधान होते हैं ग्राम प्रधान होते हैं उनके अंदर क्या पावर होती है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि अपने एरिया से रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं उसके वेलफेयर के लिए एक्ट कर सकते हैं कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं ठीक है तो वो आती आती है सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर तो आर्टिकल फोर्टी में अगर बात करें तो आर्टिकल फोर्टी बत, बताता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अकॉर्डिंग पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन और सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू ही नाइनटीन नाइनटी टू में भारतीय संविधान के अंदर भाग नौ एड किया गया किसके लिए पंचायत के लिए प्रोवाइड राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस सब्जेक्ट टू इट्स इकोनॉमिकल कैपेसिटी इकोनॉमिकल कैपेसिटी यानी कि जो आर्थिक क्षमता है स्टेट की उसके अकॉर्डिंग वो जो अपने लोग हैं उनके उनको राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार एंड टू पब्लिक असिस्ट यानी कि लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करेगा लोक सहायता के अंतर्गत अगर नेक्स्ट तो आर्टिकल 42 ये क्या कहता है अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ ये मैटरनिटी रिलीफ यानी कि प्रसूति सहायता जो है उसके रिलेटेड जो है लॉ का क्रिएशन करेगी उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी जो महिलाएं होती हैं गर्भवती महिलाएं होती हैं उसके रिगार्डिंग और जो सही काम है जो उनके लिए न्याय संगत है वो सारे जो कार्य हैं जो उनकी जो स्थिति है उनका सुधार करें ऐसे काम प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट उसने डिट एक्ट पास किए जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है मैटर्निटी रिलीफ एक्ट एक्सेट्रा है कहता आर्टिकल कि राज्य स्टेट टू मेक वेजेस यानी कि जो आजीविका की या निर्वाह करने की जो मजदूरी होती है वो उन्हें उचित तौर पे मिलती रहे एंड ऑर्गेनाइज कॉटेज इंडस्ट्रीज और जो कुटीर उद्योग है रूरल एरियाज में उन्हें बढ़ाने का प्रयास करने के लिए पॉलिसीज बनाएगा और 43 क्या कहता है और ये कहता है कि टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और अदर वर्क में क्या करेगा स्टेट उनकी वेजेस कंडीशन ऑफ वर्क वो किस कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं उन्हें समय से लीव यानी कि अवकाश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इससे रिलेटेड वो पॉलिसीज बनाएगा नेक्स्ट आर्टिकल 43 ए एडेड बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल फॉर बाय स्टेट टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन, किसका पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो भी आपका इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन uh, करवाना होगा जैसे आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है कारखाने वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है एक लीडर होता है वर्कर लीडर होता है तो वर्कर पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि जब तक वर्कर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा जब तक वर्कर की तरफ से कोई पर्सन मैनेजमेंट में नहीं होगा तब तक क्या होगा वहां पर जो राइट हैं वो इफेक्टेड होते रहेंगे तो आर्टिकल फोर्टी ए कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन एड किया गया था फोर्टी सेवन अमेंडमेंट एक्ट थ्रू तो और इसको यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए डिफरेंट एक्ट्स में प्रोविजन किए गए जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें प्रोविजन करा गया है वर्कमैन कंपेंशेशन एक्ट है मैटरनिटी बिलीफ एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है और आपका फैक्ट्रीज एक्ट है नेक्स्ट हमारा आता है 43B. आर्टिकल फोर्टी बी आर्टिकल फोर्टी बी एडेड बाई नाइनटी अमेंडमेंट Uh, 2011 में ये ऐड किया गया था द स्टेट हेल्प एडवे टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन एटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर आपको याद आ रहा होगा तो 97 सेवन अमेन्डमेंट एक्ट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आर्टिकल 19 बताया था आर्टिकल 19 के क्लॉज वन का सब क्लॉज सी में जो कॉपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया था वो नाइनटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही एड किया गया एड किया गया था क्या कह रहा है ये कि जो स्टेट है वो प्रमोट करने के लिए वॉलेंट्री फॉर्मेशन करेगा किसके लिए फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो सहकारी आपकी समितियां हैं उनके मैनेजमेंट के लिए है देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जरूरत क्यों पड़ती है जो सहकारी समितियां हैं वो ऐसे रूरल एरिया ऐसे एरियाज के लिए बनाई जाती हैं जो कि क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं अपने उस एरिया के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है तो जिससे कि बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाएगा

द स्टेट इज सपोज टू टेक टू एस्टबलिशनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन रेस्पेक्टिव कास्ट और रिलीजन ये कहता है कि राज्य को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण किया जाए हर धर्म जाति के लोगों के लिए जो कि सभी पर समान रूप से लागू किया जा सके

नंबर ऑफ एजुकेशनिंग एंड टू इम्रूव पब्लिकेटिंग ड्रग्स यहाँ स्टेट को डायरेक्शन दी गई है स्टेट जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो पोषाहार है न्यूट्रिशंस है उनको बढ़ाने के लिए उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है प्रोहिबिट कर सकता है लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को यानी कि अभी जो बिहार में शराब बंदी हुई है शराब से रिलेटेड जो लॉ बनाया गया है वो आर्टिकल 47 का यूज करके ही बनाया गया है नेक्स्ट आर्टिकल फोर्टी

वाहक ढेरों जो ढेरों की नस्ल होती हैं, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए तथा उनकी डेथ उनकी किलिंग उनके वध को रोकने के लिए राज्य कानून बनाएगा यानी कि जो गौ संरक्षण से रिलेटेड जो मैटर काफी हाईलाइट है उस पर लॉ बनाने की जो पावर है स्टेट को वो कहां से मिलती है आर्टिकल 48 से नेक्स्ट आर्टिकल मैं आर्टिकल 48 ए

प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को काफी सारे एक्ट पास किए गए जिसमें से द वाटर पॉल्यूशन एक्ट 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 एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन एनवायरमेंट एंड एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल फोर्टी नाइन दिस आर्टिकल ऑब्लिकेट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मोमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थान है वस्तुएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राज्य है ऐसी नीतियां बनाएगा नेशनल इंपॉर्टेंस की थिंग्स में वस्तुओं में जैसे कि आपकी कोई प्रतिमा है कोई मूर्ति है प्राचीन या फिर कोई चित्रकला है या फिर कोई हिस्टोरिकल टेंपल है ये सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हिस्टोरिकल हैं आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं तो उनको वो एज अ हेरिटेज है हमारी तो उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट पॉलिसी बनाई नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 क्या कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण यानी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मैटर से अलग रहेगी किसमें इन पब्लिक सर्विसेज लोक सेवाओं के मामले में नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 51 दिस आर्टिकल रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन नेशंस एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज के जो राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा जिससे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो मेंटेन रहे और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है वो के थ्रू सॉल्व होते रहे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होते रहे तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक पे ट्रिक ज्यादा अच्छी नहीं है बट इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू देखिए स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल 36 सिक्स जो डीपीएसपी है हमारे तो आर्टिकल 36 जैसे मैंने आपको बताया था वो बताता है सिर्फ खाली स्टेट की डेफिनेशन स्टेट की डेफिनेशन कौन सी वाली जो आर्टिकल 12 में दी गई है ठीक है तो इसमें आर्टिकल 30 से कुछ नहीं है स्टेट की डेफिनेशन बताता है आर्टिकल 37 बताता है कि नॉट एनफोर्सिएबल इसका एनफोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 38 क्या कहता है वेलफेयर ऑफ स्टेट यानी कि जो वेलफेयर है कल्याण है स्टेट का उसको कैसे अचीव किया जाएगा और यही जो आर्टिकल 39 है ये बताता है कि जो वेलफेयर ऑफ स्टेट का कांसेप्ट आर्टिकल 38 में है वो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज स्टेट बना सकता है तो 39 उन्हीं पॉलिसीज के बारे में बताता है तो 38 ए टू थर्टी को अगर कनेक्ट करते हुए पढ़े तो हम इजीली हमें लर्न हो जाएगा और थर्टी uh, सिक्स और 37 की बात करें तो 36 कुछ है ही नहीं है स्टेट की डेफिनेशन बताओ थर्टी सेवन मोस्ट इम्पोर्टेंट की इम्पॉसिबल नहीं है और फॉर द लर्निंग पर्पज आर्टिकल हमारा थर्टी ए है जो फ्री लीगल एड के लिए प्रोविजन करता है निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है अगर लर्न करने के वजह अगर ट्रिक अगर हम लगाते हैं तो थर्टी नाइन में पॉलिसीज हैं पॉलिसीज में सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या होगी फ्री में लीगल एड देना फ्री में आप दे रहे हो तो फ्री की चीज सबसे अच्छी होती है तो इसलिए उसको थर्टी नाइन ए में एक अलग से रख दिया अलग आ, आर्टिकल बना दिया गया क्योंकि तो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है फॉर लर्निंग पर्पज ओनली नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल फोर्टी यानी कि पंचायत यानी कि फोर्टी यानी कि चालीस लोगों ने मिलकर क्या बनाई पंचायत बनाई फॉर ओनली लर्निंग परपस नेक्स्ट के फाइव आर्टिकल हम एक साथ लेंगे 41 42 43 43 ए और 43 बी कैसे देखिए जो आर्टिकल 41 है वो बताता है वर्क यानी कि काम पाने का अधिकार को उसके बाद वर्क काम मिलेगा 42 क्या कहता है कि वर्क तो दिलाओगे लेकिन वर्क गुड अच्छा होना चाहिए सुटेबल होना चाहिए जो उनकी अः दशाएं हैं उनको सुधार सके नेक्स्ट आर्टिकल 43 क्या कहता है कि वर्क भी हो गया 41 में, 42 में 42 कैसा वर्क हो गया गुड वर्क देना होगा स्टेट को उसके बाद कहता है कि सैलरी सैलरी भी तो देगा सैलरी भी तो आपकी अच्छी होगी यानी कि जो निर्वाह मजदूरी है जो मजदूरी मिले मजदूरी होगी वो भी तो देगा और जब मजदूरी अच्छी मिलेगी तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन तो होना ही होना है और पार्टिसिपेशन जब होगा तो उनके लिए भी बनानी होंगी तो 41, 42, 43, 43 ए और 43 बी को हमने एक साथ लर्न करना है जब भी हमें लर्न करना है तो तो 41 में वर्क वर्क कैसा होगा 42 में गुड 43 में गुड वर्ग होगा तभी सैलरी मिलेगी सैलरी भी देगा स्टेट uh, उसके बाद आर्टिकल 43 ए में है वर्कर्स पार्टिसिपेशन जब सैलरी अच्छी होगी तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा और उसके बाद फिर कोपरेटिव सोसाइटीज भी उनके लिए बना दी जाएंगी 43 बी में नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल फोर्टी फोर 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 यानी कि दोनों यूनिफॉर्म है दोनों सेम है तो उसमें क्या हुआ हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ आर्टिकल के के बाद क्या आता है? आता है है तो जीरो से के लिए एजुकेशन uh, आपकी फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स में क्या है आपका सिक्स सिक्स यानी कि यहाँ पे हम आप यहाँ से ले लेंगे सिक्स सिक्स का एस ई सी यानी कि सेक्शन एस सी एस टी और वीकर सेक्शन किसमें आएंगे फोर्टी सिक्स में उसके बाद फोर्टी सेवन में लिक्वर फोर्टी एट में एग्रीकल्चर एनिमल और फोर्टी एट में ये हम तीनों को हम एक साथ ले लेंगे जो तीनों हैं हमारे इनको एक साथ ले लेंगे लिक्वर यानी कि शराब जो अभी ज़्यादा इश्यूज़ में मतलब रहती है वहीं अगर बात करें गौ संरक्षण की एग्रीकल्चर में जो फोर्टी एट के अंदर लॉ मैंने आपको बताया था वो भी ज्यादा है हाईलाइट रहता है और वहीं पे अगर बात करें 48 के बाद 48 ए में क्या होगा जब 48 आपका एग्रीकल्चर और एनिमल की बात बता रहा है तो उसे मिलाकर ये क्या बनेगा हम सिर्फ बात है एनवायरमेंट बनेगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 50 जब मैंने आपको इंडिपेंडेंस और जुडिशरी से रिलेटेड जो टॉपिक था डिस्कस किया था उसमें मैंने आर्टिकल फिफ्टी डिस्कस किया था कि वो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से नॉर्मल से बात है आर्टिकल फिफ्टी फिफ्टी यानी कि फिफ्टी 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 इधर फिफ्टी इधर यानी कि अलग अलग आपका ये कहता है कि 51 है कि कि सारी बात छोड़िए, सही सबसे पहले इंटरनेशनल पीस पर ध्यान दो सौ परसेंट बोलते ना एक सौ एक परसेंट हम यहाँ पर इक्यावन परसेंट सच बोल रहे हैं कि क्या कहें कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखना चाहिए किसे स्टेट को तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड हो तुरंत तो मिल जाए करें और जो कुछ टॉपिक मैंने अंदर दिए हैं जिनको मैंने कहा था वो उनके लिए उन पर डिटेल एक लेक्चर बनना चाहिए अगर आप वो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ओके टेक केयर बाय बाय